सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज यार, तुम्हारे भाई की थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो रखी है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं डीएवी महाविद्यालय के छात्र अंकित बिष्ट, जो कि हमारे प्रेसिडेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज उनकी परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली है, तो हम लोग उस रैली का हिस्सा बनने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा, सो गाइज आप लोग 24 तारीख को ज़रूर कॉलेज जाएँ और अंकित बिष्ट को वोट ज़रूर करें, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम कॉलेज के लिए सोचे हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि एक मौका उनको ज़रूर दें। बाकी आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं प्रतिज्ञा रैली में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष कोरोना के बाद 2 साल बाद डीएवी में झारखंड चुनाव होने जा रहे हैं। झारखंड चुनाव में अंकित बिष्ट जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अंकित बिष्ट जी पूरे भारत में एकमात्र छात्र नेता हैं जिन्होंने कोरोना में जो एज जब और वो लड़ नहीं पाए थे तो हाईकोर्ट गए थे। वो एकमात्र नेता हैं जो छात्र नेता जो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से 2 साल का एज रिलैक्सेशन लेके आए, और वो अपने लिए नहीं, ये सभी छात्रों के जितने भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उन सब के लिए लेके आए हैं। दूसरी बात, जब सरकार इस बार उत्तराखंड प्रदेश में चुनाव नहीं करवा रही थी तो अंकित बिष्ट जी पहले तो 6 दिन तक भूख हड़ताल में बैठे थे, उसके बाद जब वो टावर में चढ़े उसके बाद सरकार पे जब दबाव बना तब जाके सरकार छात्र संघ चुनाव के लिए मानी है। और अंकित बिष्ट जी पूरे कॉलेज में एकमात्र छात्र नेता हैं जो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी छात्र नेताओं की तरह नहीं आ रहे हैं कि भाई हमें वोट देना, लेकिन वो बता नहीं पा रहे कि क्यों हमें वोट देना है। लेकिन अंकित बिष्ट जी ने साफ कहा है कि उन्हें वोट क्यों देना है। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बता रखा है। उनका मैनिफेस्टो ये है कि जैसे हम आप देख सकते हैं कि डीएवी महाविद्यालय सरकारी होने के बाद भी वहाँ पार्किंग ली जाती है, जो कि मतलब एक हद तक सही नहीं है कि सरकारी कॉलेज के अंदर आप पार्किंग ली जा रही है। सरकारी कॉलेज में पहले बच्चे फीस भी दे रहे हैं, ऊपर से उनसे फिर पर डे जब भी आएंगे 10-10 रुपये पार्किंग ली जाएगी। तो अंकित बिष्ट जी ने कहा जिस दिन वो अध्यक्ष बन जाएंगे उस दिन के बाद से कोई भी छात्र, कोई भी बच्चा कॉलेज में पार्किंग नहीं देगा, सब बच्चों के लिए पार्किंग फ्री हो जाएगी। दूसरा, हमारे जो कॉलेज की लाइब्रेरी है वो सिर्फ 2 बजे तक खुली रहती है। क्या होता है कि घर के अंदर पढ़ नहीं पाते, क्योंकि घर में छोटे बच्चों का, छोटे भाइयों का हल्ला रहता है, तो उस वजह से क्या करते हैं, बाहर लाइब्रेरी लगाते हैं। और बाहर लाइब्रेरी लगाते हैं तो फिर वहाँ कोई 700 रुपये देता है, कोई 1000 रुपये देता है। लेकिन अंकित बिष्ट जी ने कहा जब वो अध्यक्ष बन जाएंगे तो लाइब्रेरी हमेशा 24 घंटे खुली रहेगी, सातों दिन खुली रहेगी। दूसरा, कॉलेज में एक वाईफाई है हमारे कॉलेज में, लेकिन उस वाईफाई में सिर्फ 34 MB मिलती है। तो अंकित बिष्ट जी ने कहा जब अध्यक्ष बन जाएंगे उसके बाद हर बच्चे को हर दिन 1.5 से 2 GB फ्री मिली जाएगी। और लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉमन रूम था जो टूट चुका है, उसको वापस बनाएंगे, फिर से काम करेंगे उस पर, नया बनाएंगे। मेरा नाम आयुष भगवान है और मैं डीएवी का छात्र हूँ और एमएससीआई संगठन से कार्य करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है 24 तारीख को इलेक्शन है और भाई का काफ़ी संघर्ष रहा है कॉलेज के प्रति। जैसे कि इन्होंने एक बुकलेट भी दिया था जिसमें इनके उद्देश्य लिखे हैं प्रेजिडेंट बनने के बाद, जिसमें जो पहला मुद्दा है फ्री पार्किंग का, तो पर हेड बच्चे से 10 रुपये पार्किंग लिया जाता है महीने का, 300 रुपये और साल का 3600 रुपये, इतनी तो हमारी सेमेस्टर की फीस भी नहीं है। और क्या बोलते हैं, डीएवी कॉलेज एक मात्र ऐसा कॉलेज है पूरे उत्तराखंड में जहाँ पे पार्किंग का पैसा लिया जाता है। फ्री वाईफाई कैंपस इंडिया की बात करी है, 2008-09 में हुआ था, मतलब उसमें भी 1.5 GB मिलता था जो कि ABBP ने बंद करवा दिया ताकि सारा क्रेडिट उनको ना जाए। अब उसमें 34 MB मिल रहा है इसे, तो इस चीज़ के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। और इलेक्शन जीतने के बाद इसमें क्या बोलते हैं, 1.5 GB से 2 GB हर दिन बच्चों को मिलेगा। और दूसरा जो है, लड़कियों के बस पासेस, अभी तक जितने भी छात्र नेता है उन्होंने ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया है जो अंकित भाई ने उठाया है बस पासेस का, लड़कियों के बस पासेस बनाने के, ताकि जैसे दूर दूर से बच्चे आए तो फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं लड़कियाँ जिनका पैसा गवर्नमेंट डालती है। दूसरा, और कॉलेज में हेल्थ, जैसे देहरादून में पीने वाला पानी बहुत आता है और कॉलेज में हेल्थ इश्यू भी बहुत होता है, क्योंकि बच्चे पानी पीते हैं सुबह से शाम तक कॉलेज में रहते हैं, तो पीने वाला पानी मतलब हेल्थ इश्यू का काफ़ी दिक्कत रहती है, तो एक्वागार्ड की भी बात करी है। बाकी बच्चे क्या करते हैं कॉलेज में,
सबकी अलग अलग रुचियां रहती है कि ये वाला गेम खेलेंगे वाला गेम खेलेंगे, लेकिन बच्चों को पता नहीं लग पाता कि टीम कब गई है खेलने के लिए, क्लस्टर लेवल पे, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और ना हमारे गेम का कोई पर्टिकुलर पीटीआई है। तो अंकित भाई ने मुद्दा भी उठाया है कि पर्टिकुलर गेम्स का एक पीटीआई भी, और 2008 में यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल होता था जिसको बंद करवा दिया है, इसको भी दोबारा सुचारू रूप से चालू करवाएंगे। धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने अपना मत अंकित विश्व को दें। धन्यवाद। बैक टू पवन के ब्लॉग में, आज हमें ब्लॉग में, तो आज हम बच्चों से पूछेंगे उनका कैसा एक्सपीरियंस। आप मास्टर साहब के बात कर सकते हैं, लड़कियाँ पिता हो जाएगी। आप ये साइज से गोलवा पिक्चर के आओ वाले बन चुके हैं। अंकित मिश्र का यहाँ पे नाम जम रहा है, जम के एकदम। आपको क्या लगता है, कौन से पूछते हैं सागर भैया, आपको क्या लगता है? 24 तारीख को सब आके महाविद्यालय में अंकित मिश्र को भारी मतों से विजय बनाए। तो देखा आपने यहाँ पे अंकित भाई का नाम जपा जा रहा है जम के, तो अंकित मिश्र जीते हैं। अंकित जिंदाबाद। कह रहे अखबार में आ जाएगी फोटो, तो इसलिए हम छुप जाते हैं। आपको कुछ कहने, आपको कुछ कहने? ये सब मम्मी पापा का खौफ है कि अखबार में आ जाएंगे तो हमारी फट जाएगी। आपको मिलाते हैं और लोगों से। फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो जोरों शोरों से तैयारी हो रही है, तो मतलब एक दिन को ऐसा धक-धक से हो रहा है ना गाइस, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप लोग देख सकते हो पूरा कैंपस जो है ना वो पूरा भरा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, अभी अंकित भाई आए नहीं शायद, अंकित भाई आएंगे तो फिर हम लोग यहाँ से डीएवी कॉलेज जाएंगे। और आप लोगों को 24 तारीख को, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, 24 तारीख को अंकित मिश्र को वोट देने जरूर आना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से डीएवी कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि यही इसलिए लेके आए थे क्योंकि एज जो था वो कम था, और कोरोना की वजह से 2 साल से चुनाव नहीं हुए, तो इसी वजह से अंकित भाई जो हमारे हैं वो यहाँ पर चुनाव के लिए इसलिए लेके आए थे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि एक मौका अंकित मिश्र को जरूर दें। Okay.
है।